सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी, हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महासभा के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो अगर ये सही है तो 50-60-65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो और आपने अब तक की ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर वन। नंबर टू, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखा पट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वगैरह उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब किताब बहुत साफ है वो क्या करना चाहते हैं।